बैराड़ में गरीबों की झोपड़ियों पर गर्जी नगर परिषद की जेसीबी। शिवपुरी जिले के बैराड़ कस्बे में विद्युत विभाग की जमीन पर वर्षों से झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रह रहे गरीबों पर आज नगर परिषद की जेसीबी कहर बनकर टूटी। इस दौरान प्रशासन की टीम ने जेसीबी चलाकर गरीबों के कच्चे घरों को अतिक्रमण हटाने के नाम पर जमींदोज कर दिया है। प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ मुहिम से प्रभावित लोगों ने बताया कि वह कई वर्षों से यहां घर बनाकर रह रहे हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्होंने भूमाफियाओं से ये सरकारी जमीन पैसे देकर खरीदी है। लोगों ने बताया कि उनके ये घर टूट जाएंगे तो वह कहां रहेंगे। देखिए बैराड़ से धर्मेंद्र शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। ये जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, इसके एक किस लिए चल रही है? शासकीय भूमि उद्योग विभाग के लिए आरक्षित भूमि है, जिस पर लोगों ने छोटे छोटे खंडा रख करके कोटरी या दीवार नुमा आकृति बना करके अतिक्रमण किया जा रहा था। छोटा छोटा अतिक्रमण है या पक्का अतिक्रमण भी है? यहाँ पे पक्के भी हैं जिन्हें चिन्हांकित करके उनको हटा रहे हैं। जो ये छोटे मोटे अतिक्रमण तो लग रहा दिख रहा है आप हटा रहे हो, और जो पक्के जो अतिक्रमण हो चुके हैं इनका क्या, इनके लिए क्या आपका प्लान है? नहीं, वो भी हटाएंगे, सभी अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, सरकारी भूमि से जो अतिक्रमण है उन्हें चिन्हित करके हटाएंगे। जैसे लगभग कितनी भूमि है ये, आपको तहसीलदार साहब से पूरी जानकारी मिलती है? और ये अतिक्रमण की जो मुहिम चलाई है ये लगभग कब तक चलती रहेगी? ये जब तक शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त नहीं होती तब तक चलाएगी। कितने साल से रह रहा है यहाँ पे? 15-16 साल हो चली बाबू। 16 साल हो गई। ये जो जमीन आपने टपरिया बनाई है, हाँ जी, तो ये जमीन तुम्हारी निजी जमीन थी या किसी से खरीदी? नहीं, खरीदी नहीं थी बाबूजी, वैसे ही रुकाई थी। वैसे ही रोक लाई? हाँ, रोकी थी, वैसे ही रोक लाई। हाँ, कब रुकाई थी आपने? जी रुकाई थी अपने 2010 में ही रुकाई। मतलब तो अभी आपका क्या कहना है? अभी आपका ये, हमारा ये कहना है कुछ इंसाफ तो मिले हमको, कि कहीं जगह मिले क्या कुछ। हम तो ऐसे संजा खाते हैं, सुबह रे नहीं है, सुबह खाते तो संजा नहीं है। हाँ, तो आपका क्या है, मकान बना हुआ है? नहीं, टपरी ही बनी है सर, और कुछ मकान भी है कुछ लोगों के। तुम्हारा क्या नाम है? तो जे अभी अतिक्रमण के द्वारा ये मकान मिटारे जा रहे हैं, तो क्या आपको कुछ परेशानी है इससे? बताइए। कब से रह रहे हो आप यहाँ? कितने साल हो गई? 15-20 साल हो गई। 25-30 साल हो गई है। 15 साल हो गए थे यहाँ डाल दे। 15 साल तो यहाँ। वैसे कितने लोगों के मकान है तुम्हारे? तो आपने इसकी कहीं शिकायत नहीं की? कोई सुनाई नहीं करता हमारी, ना सरकारी कुटिया देते ना कुछ देते। बीच में कहा जाते पैसा, कहा जाते बीच में सरकारी कुटिया। भाई तुम्हारा? मेरा नाम तो गुड्डी है भैया। तो आप यहीं पर रहती हो? हाँ जी, रहती हूं। तो जी अतिक्रमण में जो मकान मिटारे जा रहे हैं, या अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो क्या आप कुछ कहेंगी इसमें? हम तो कह रहे भाई, नहीं हमारे मकान तो नहीं है, मन्ने मिटरवाने, मन्ने बड़ी मानो को देखो, सरकार ने तो नहीं है, बड़ी मुसीबत से मकान बनाया है। कौन से लाई ये प्लॉट तुमने? मन्ने रघुवीर बात है लाई, कागज रघुवीर को है, को बिरा दिया रावत है, रघुवीर पैसे लाई मैंने। क्या को जमीन के कागज मांग दिए थे? जमीन के कागज तो नहीं दबाने, फिर बाको जिनके अतिक्रम जरूर मन पे आ गए। हम तो शुद्ध कह रहे हैं। अतिक्रमण, अतिक्रमण कहाँ से मिला था आपको? बहुत ज्यादा ही मिला, बेड़ार से, तहसील से या नगर परिषद से? तहसील से। तहसील से दरवाजे है भाई। रसीदे हैं तुम्हारे पास? रसीद अतिक्रमण की। द्वारा हटाया जा रहा है बुलडोजर कार्रवाई।